नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में इनका शुद्ध लाभ लगभग 3 गुना बढ़कर 1,04,00,000 रुपए हो गया। कंपनियों के बैंकों का कर्ज नहीं चुका, पानी की समस्या खत्म हुई। आरबीआई का कहना है कि अब अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट से फायदा मिल रहा है। स्थिर रेटिंग के बावजूद कुछ वैश्विक बैंक ढह गए। दूसरी तरफ पेशेवर प्रबंधन की वजह से भारतीय बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार के ठोस प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बैंकों और कॉरपोरेट्स की ट्विन बैलेंस शीट समस्या से दूर, ट्विन बैलेंस शीट लाभ की ओर बढ़ गई है। वित्त मंत्री ने पंजाब एंड सिंध बैंक के कॉरपोरेट दफ्तर का उद्घाटन करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा 2022-23 में बढ़कर 1,04,00,000 रुपए हो गया, जो कि 2014 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है।